नमस्कार, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स बेस्ड और वो है ब्यूबोनिक प्लेग पे। रिसेंटली चाइना के अंदर प्लेग के कुछ मामले सामने आए थे और चाइना ने ही कहा था कि जो कजाकिस्तान कंट्री है वहाँ पे कोई डिसीज़ है जो कि कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक है, यानी जो डेथ रेट है उससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ब्यूबोनिक प्लेग और किस वजह से वो फैलता है, यानी किस ऑर्गेनिजम्स की वजह से वो फैलता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कॉमन नेम क्या है और क्या कभी इंडिया में भी प्लेग के मामले सामने आए थे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और ये जो बैक्टीरिया होता है इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो बैक्टीरिया होता है ये होता है पैरासाइट। जो फ्लीज होते हैं हमारे घर के अंदर, जो इंसेक्ट्स होते हैं, विंगलेस इंसेक्ट जो हमें कॉमनली देखने में मिल जाते हैं हमारे किचन में, गार्डन में, इन सब के अंदर ये जो बैक्टीरिया है ये एंडोपैरासाइट होता है। आप सभी जानते होंगे कि बैक्टीरिया जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, दे कैन बी एंडोपैरासाइट और दे कैन बी एक्टोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और जो एक्टोपैरासाइट होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर रहते हैं, ना कि अंदर। और पैरासाइट जो होते हैं वो नॉर्मली हमें हार्म पहुँचाते हैं, यानी हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो जो प्लेग होता है वो फैलता है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। और ये जो होता है बैक्टीरिया ये होता है पैरासाइट इंसेक्ट्स पे, इंसेक्ट्स के अंदर ये पैरासाइट होता है। और ये जो इंसेक्ट होते हैं ये होते हैं एक्टोपैरासाइट, यानी ये जो होते हैं वो ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर रहते हैं और रहते हैं रोडेंट्स जो कि हमारे जिसका एग्जांपल है माउस। इसीलिए हमें कॉमनली ये सुनने में मिलता है कि चूहों की वजह से प्लेग फैलता है। सभी चूहों की वजह से प्लेग नहीं फैलता है, केवल उन्हीं की वजह से फैलता है जिनके ऊपर ये जो इंसेक्ट होता है जिसके अंदर ये बैक्टीरिया एंडोपैरासाइट होता है, वो जो इंसेक्ट कभी अगर इनको इफ़ेक्ट करता है या इनके ऊपर एक्टोपैरासाइट होता है वो ही चूहे केवल प्लेग फैलाते हैं। तभी तो हमें जो नॉर्मल चूहे देखने को मिलते हैं ये सभी प्लेग नहीं फैलाते हैं, वरना तो एक बहुत बड़ी महामारी बन जाती। तो केवल वो ही चूहे जिनके ऊपर ये जो बैक्टीरिया है जो एक इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होगा वो ये प्लेग फैलाते हैं। अब ये हमने एक कॉमनली न्यूज़ में हमने एक टर्म भी सुना था कि द ब्लैक डेथ। अब ये ब्लैक डेथ क्या होता है? मिडिल सेंचुरी के अंदर, अगर हम मिडिल हिस्ट्री की बात करें, 5th century to 15th century यूरोप के अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। उस डेथ को ब्लैक फीवर नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो लोग थे उनकी जो स्किन का कलर था वो ब्लैक हो गया था, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया था ये उनके ब्लड के अंदर फैल गया था जिससे उनकी जो स्किन थी वो ब्लैक कन्वर्ट हो गई थी और लोगों ने उसको नाम दे दिया था ब्लैक डेथ। इसलिए हम कॉमनली ये वर्ड भी काफ़ी सुनते हैं न्यूज़ के अंदर, ब्लैक डेथ, प्लेग की वजह से ब्लैक डेथ हो गई है, यूरोप में उसके केसेस सामने आए थे। तो ब्लैक डेथ का बेसिकली इसीलिए इसे ब्लैक डेथ कहा गया है क्योंकि इसकी जो एक्सट्रीम, यानी इसकी जो लास्ट स्टेज होती है ब्यूबोनिक प्लेग की, उसके अंदर ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, वहाँ पर रैपिडली मल्टीप्लाई होता है और हमारी जो स्किन का कलर होता है वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हमने इसे ब्लैक डेथ नाम दिया। अब हम आगे चलते हैं कि इसके टाइप देख लेते हैं कि प्लेग के जो ब्यूबोनिक प्लेग है उसके कितने टाइप हैं। बेसिकली जो प्लेग होता है वो 3 टाइप्स का होता है। और वो कौन कौन सा होता है? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट जो है प्लेग का टाइप वो होता है ब्यूबोनिक प्लेग।
सेकेंड वन इज़ न्यूमोनिक प्लेग एंड द थर्ड वन इज सेप्टिसेमिक प्लेग। जो ब्यूबोनिक प्लेग होता है वो होता है प्राइमरी स्टेज ऑफ प्लेग, ये जो होता है वो होता है प्राइमरी स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये इन्फेक्टेड रोडेंट्स होते हैं, माउस होते हैं, ये अगर ह्यूमंस के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इंसान को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है वो, और उसकी वजह से जो ह्यूमंस होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनमें प्लेग हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज आती है उसे हम कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेग। इसके अंदर ये जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे जो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे इफ़ेक्ट करता है, यानी हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसे इम्पेक्ट करता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो हो जाते हैं फीवर, चिल और बॉडी एक। अगर ब्यूबोनिक प्लेग का प्राइमरी स्टेज पे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये जो प्लेग होता है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूमोनिक प्लेग में, जो कि सेकेंडरी स्टेज होती है प्लेग की। न्यूमोनिक प्लेग में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये एंटर कर जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी हमारे लंग्स में। तो ये जो बैक्टीरिया होगा वो इम्पेक्ट करेगा हमारे लंग्स को, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। WHO ने जो न्यूमोनिक प्लेग की जो स्टेज है उसे सबसे खतरनाक, सबसे हार्मफुल बताया है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेज के अंदर ये जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे खतरनाक होता है, और इसी स्टेज के अंदर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ये सबसे डेडलीस्ट होता है, सबसे खतरनाक होता है। तो इसमें 24 घंटों से 72 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। ये जो होते हैं घंटे, ये होते हैं फेटल, यानी इसके अंदर इंसान की डेथ हो जाती है अगर उसे टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो। और उसमें ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारा होता है फीवर, कफ एंड बॉडी एक और हाई बीपी। अगर किसी इंसान ने छींक दिया उसे खांसी आती है न्यूमोनिक प्लेग के अंदर, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर इस स्टेज में इंसान का ट्रीटमेंट नहीं होता है तो जो न्यूमोनिक प्लेग है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा जो लास्ट स्टेज है उसकी, जिसे हम बोलते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। और इसी के अंदर क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी बॉडी के जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं, हमारा जो बॉडी में खून है उसमें चला जाता है, और वहाँ पे रैपिड इसका रेप्लिकेशन होता है, और यानी बहुत सारी इसके मतलब बहुत सारी बैक्टीरियाज जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, उसका रेप्लिकेशन जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये बैक्टीरिया एंटर होता है और रैपिडली मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और वहाँ पे रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, तो जो हमारा ब्लड है और हमारी जो बॉडी है वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है, और इंसान की इवेंचुअली अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो उसकी डेथ हो जाती है, और इसीलिए हमने इसे नाम दिया था ब्लैक डेथ, ब्लैक कलर ऑफ स्किन, तो इसे हम देते हैं ब्लैक डेथ नाम। और ये इसकी सबसे लास्ट की स्टेज होती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, या प्लेग का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं उसके ट्रीटमेंट के बारे में।
क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इसमें एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो कि यूज़ जो डॉक्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए या प्लेग को रोकने के लिए। तो एंटीबायोटिक्स और जो इसकी सीवियर स्टेजेस होती है उसके अंदर जो पेशेंट होता है उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भी सप्लाई करी जाती है और उसे इंट्रावीनस फ्लूइड दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी रिकवर करे और जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को रोका जा सकते। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और इंट्रावीनस फ्लूइड और वो जो पर्सन जो किसी भी इंसान की जिसकी प्लेग है उसके कांटेक्ट में है उनको भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि इसके स्प्रेड होने की चांसेस ना हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में भी कभी प्लेग के केसेस सामने आए थे? तो हाँ, जब भारत पे अंग्रेज़ों का राज था 1896 जो ईयर था उसमें बॉम्बे के अंदर प्लेग का फर्स्ट केस देखने सामने आया था। हम यहाँ लिख सकते हैं इन द ईयर 1896 बॉम्बे, उस वक्त जो हमारा मुंबई था उसे हम बोलते थे बॉम्बे जब भारत पे अंग्रेज़ों का राज था। तो 1896 में इंडिया में फर्स्ट केस देखने को मिला था प्लेग का और 1897 में भारत सरकार उस वक्त जो अंग्रेज़ थे उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसे नाम दिया था एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, उसे हम लिख देते हैं एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ऑफ 1897। ये जो कोरोना का टाइम हम देख रहे हैं जो जिसके अंदर हमारी सरकार जो स्टेप्स उठा रही है जैसे कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करना, लॉकडाउन और स्पेशल मेजर्स ले रही है इस वायरस को कंटेन करने के लिए, इसके स्प्रेड को रोकने के लिए, तो वो सब हम इसके अंदर ले सकते हैं क्योंकि यही एक्ट है जिसके अंदर सरकार ये सारे मेजर्स ले पा रही है। तो इसी एक्ट के अंग्रेज़ जो सरकार थी उस वक्त उन्होंने ये एक्ट बनाया था ताकि वो प्लेग को रोकने के लिए, फैलने से रोकने के लिए कुछ स्पेशल मेजर्स ले सकें, कुछ अलग से स्टेप उठा सकें ताकि ये फर्दर स्प्रेड ना हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ब्यूबोनिक प्लेग, और इस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बन सकते हैं कि ब्लैक डेथ क्या है, जो कि सब्जेक्टिव हो सकता है क्वेश्चन आपका, या फिर किसकी वजह से फैलता है। तो उसमें हमें पता है बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है और उसके लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए या कौन सा कानून आया था भारत में, इसका पहला कब केस सामने आया था। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो अगर हम कोशिश करेंगे कि हम आपके क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है ब्यूबोनिक प्लेग का। थैंक यू।